हल्के के लोग की कहें क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा तो बाद कहें कि उदयवीर रंधावा ही कम कराते हल्के। कोई मैं पूछे कि तुम उन्होंने बिहाफ के हल्के घूम रहे हो तो असं रंधावा साहब क्यों वोट पाइए तो उस मैं भी एक वोटर हाँ तो मैं रंधावा साहब पूछा मैं क्या कि मैं तुम्हें वोट पाऊंगा। फादर साहब सवाल पूछा भी क्यों वोट पाऊँ मैं पूछा कि जे मैं कोई पूछे कि वोट तुम क्यों पा रहे हो रंधावा साहब तो उन्होंने फिर अगर कहा पहला तो जे पिछले काम है उन्हों का तुम दिखाओ कि रंधावा साहब ने आ काम किए इतने हल्के विचरते हो कौन से समस्या लैके बिल्कुल आते जी क्योंकि मेरा काम हों लोगों छोटिया छोटिया प्रॉब्लम्स होंगी है छोटे पिंड इतने पिंड भी छोटे है लोग बड़े आपस प्यार ना रहने वाले छोटिया छोटिया लड़ाइया छोटे छोटे काम भी होंगे आपस। अच्छा कि काम तुम अपने बिहाफ से कराया हो रंधावा साहब को खड़का के रंधावा साहब आ काम लेके आए हैं। एक फैमिली डिस्प्यूट से पिंड के उस जो मैं इन्होंने फोन किया मैं आना शुरू किया हल्के मैं इन्होंने फोन किया मैं क्या कि डैडी हूँ मैं पता नहीं लग रहा कि इतने मैं की करना मैं तो दो तीन साल पहले भी मतलब उदो भी दो तीन साल पहले भी मैं अपने आप में छोटा ही मानता कि तीन साल उदो मैं इन्होंने फोन किया मैं क्या कि इतने आह प्रॉब्लम है तो इन्होंने कहा कि ना कहते जे मेरे तो पूछ लिया फिर नहीं तेरे तो काम होना आपे वेख की करना फिर उदो आप ही सॉल्व कराया मैं उन्होंने तो चलो दोनों फैमिली से जी सैटिस्फाई होती जानता मूड है बिल्कुल है जी जिमें आप घर मनी का अपना घर बनाने लगी है तो जी करता कि इनू घर में होर सोहना बनाए मेरा उमें मन है कि डेरा बाबा नानक है जोड़ा मेरा घर है तो मैं सोहना किमें बना अगे कि लेके आना मेरा राजनीति चाहता मूड नहीं मेरा सेवा चाहता। और चैलेंज कि मानते हो सुखजिंदर सिंह रंधावा के सामने इस 2022 की इलैक्शन के चैलेंज सब तो व्डा हैगा कि अनएम्पलॉयमेंट मैं आप इन्हों कहना कि जी जे लोगों की खुशी चाहिए है तो लोगों को रुजगार बिल्कुल नहीं चाहिए रंधावा के जोड़े विरोधी ने उन्होंने उन्होंने तो भी ज़्यादा मतलब रंधावा उन्होंने तो भी ज़्यादा अपने फादर साहब तो भी ज़्यादा अग्रैसिव होकर घेर घेरते हूँ अगली जी जनरेशन आ रही है आप होर पढ़े लिखने चाहिए तो अपने सवाल जवाब वादे रहेंगे आपस में तो मैं उही चीज़ हूँ कि इन्हों जी गल करनी आप मैं तो टेबल पर बह के भी इन्हों गल कर सकता जोड़े कोई साढ़े इतने ओपोनेंट खड़े हुए हैं मैं उन्होंने बह के गल कर सकता कि असी की काम किए साड़ी प्राप्तियां क्या तुम की इलैक्शन के हम तुम कंपेनिंग कर रहे हो पिंडा जा रहे हो और ये तो नहीं होगा कि जितने तो बाद चंडीगढ़ बह जाओगे जाके फिर इतने लोगों के वड़ो ही ना जिमें कि ज़्यादातर सियासतदाना के काके एवं करते रंधावा कहते कि कांग्रेस की यह परंपरा है कहते मेरे फादर साहब ने भी यह गल कही थी कि जो तो मैं साइड हो जाऊँगा उस तो बाद मैंने मौका दिता उन्होंने साइड होने तो बाद ऑफिशियल तरीके आएंगे या फिर उन्होंने मन बना लिया नहीं नहीं उन्होंने तो जो मैं कहे सेवा कर लियासत एक्टिव हो जाए। हाँ जी विधानसभा पहुंचणगे किहड़े 117 उम्मीदवार पंजाब विच कौन नाम जा रहा है नवी सरकार पिंड की सत्त तो लैके विधानसभा तक खावांगे मालवे का हर रंग दुआबे ते भी रहेगी साड़ी तिखी नजर माझे दी सियासत की रहेगा खास स्टूडियो तो लेके ग्राउंड जीरो तक न्यूज रूम तो रखांगे हर खबर ते नजर इंतजार दियां घड़ियां होईयां खत्म सियासत दा दसांगे तुहानू पूरा हाल सब तो पहला सब तो स्टी मैं यादविंदर सिंह मैं हां गगनदीप सिंह मैं हां विक्रम सिंह मैं हां शुभकामन धालीवाल मैं हां सिमरनजीत सिंह मैं हां मनदीप कौर संधू मैं हां करण हांडा मैं हां मनदीप जोत सिंह मैं हां सीरत संधू असी टीवी मीडिया दी सब तो बेस्ट टीम नाल चोणां दी सब तो अहम कवरेज 20 फरवरी नूं लेके आवांगे जुड़े रहो दिन भर। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है मैं हाँ विक्रम सिंह असी डेरा बाबा नानक हल्के दे विच हां जिथे सुखजिंदर सिंह रंधावा कंपेन कर रहे ने उन्हां दा पूरा परिवार ही कंपेनिंग कर रहा है उदयवीर सिंह रंधावा सुखजिंदर सिंह रंधावा उन्हां दे बेटे साढ़े नाल ने और 21 साल उम्र इन्हां दी होई है पहली बार अपने पिता लई वोट पोल करनगे प्रचार पिछली बार भी कर रहे सी और उदयवीर साढ़े नाल ने उदयवीर जी स्वागत है प्रो पंजाब टीवी दे धन्यवाद जी किस तरह देखते हो 21 साल उम्र मैंने दसिया कि 21 साल उम्र हुई है थोड़ी और स्टाइल तुम बिल्कुल चिट्टी लोई चरणजीत चन्नी वाला नहीं जी ये तो
पिंड च किसी च गया सीगा ते उत्थों दे बजुर्ग लोग सीगे ते उन्होंने कहा कि तेरा डैडी ने साडा जिहड़ा बड़ा वड्डा काम सी उन्हां दा कोई फैमिली मैटर ते उन्हां दा रंधावा साहब ने सोल्व कराया सी ते उहदे वास्ते उन्होंने कहा सीगा बहुत गरीब फैमिली सी वह कहते क्या मेरी लोई पुत तू पा के रखनी तो मैं उतो पा के आया। उन्होंने अपनी लोई तुम अपनी लोई मैंने दी। अच्छा 21 साल उम्र हूँ हुई है, वोट कदों बनाया? वोट मेरी पहली वोट तो चलो जाखड़ साहब नई सी एम पी इलेक्शन अगली 2019 अगली वोट रंधावा साहब हूँ पा लगा। दूसरी बार वोट कास्ट कर जा रहे? बिल्कुल दूसरी बार। हल्के के लोग की कहें क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा तो बाद कहें कि उदा भी रंधावा ही काम कराते हल्के। मैं तो आप वोटर बन के जाऊँगा वैसे तो जो पोलिंग बूथ से गया तो मेरी जी सब तो वड्डी मेरी गल है कि रंधावा साहब न पुछ के कि रंधावा साहब मैं जे किसी जवाब देना हो कि मैं थोड़ा वोट क्यों पानी है कोई मैनू पूछे कि तुम उन्होंने बिहाफ से हल्के घूम रहे हो तो असं रंधावा साहब क्यों वोट पाइए तो उस मैं भी एक वोटर हाँ तो मैं रंधावा साहब पूछा मैं क्या कि मैं थोड़ा वोट क्यों पाऊँ। फादर साहब सवाल पूछा भी क्यों वोट पाव? मैं पूछा कि जे मैं कोई पूछे कि वोट तुम क्यों पा रहे हो रंधावा साहब तो उन्होंने फिर अगों कहा पहला तो जे पिछले काम है उन्होंने तुम विखाओ कि रंधावा साहब ने आ काम किए इतने कलानौर च रंधावा साहब सब तो पहली मंग सी लोगों की वो सी कि जो सरकार आँदी है तो रंधावा साहब तुम एक कॉलेज बना के देना एक दी थां ते चलो रंधावा साहब ने दो कॉलेज दिते एक डिग्री कॉलेज एक नवा एग्रीकल्चर कॉलेज खुलन लगा। अगे जे उन्होंने कोई कहा कि जे कोई पूछे तो आप करना है कि सब तो पहला जिहड़ा काम है वह है जिहड़े बच्चे बाहर जा रहे हैं असी मैं आप पोलीटिक्स अगे आना चाहूँगा तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि जिहड़ा मैनू मेरे वोटर हो तो वह कभी देश चो बाहर जाण मैनू वोटां चाहीदी मैं उन्होंने इत्थे किवें रखना उहदे वास्ते जिहड़ा सब तो वड्डा रंधावा साहब ने काम करना है कि इत्थे रुजगार बैकवर्ड एरिया पैंदा डेरा बाबा नानक बहुत ज़्यादा पहला तो इतने डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं सी वो कराई रंधावा साहब ने तो हूँ इन्हों का है जो मेन एम है इतों का कि इंफ्रास्ट्रक्चर किमें इतने लैके आना इतने रुजगार किमें आऊगा इंप्लॉयमेंट किमें आऊगी। ठीक है और हल्के विचरते हो लोग आते समस्या लैके? बिल्कुल आते जी क्योंकि रंधावा साहब तो किसी टाइम तो पूरे पंजाब का बोझ सीगा काफ़ी मसले सके एंड वाले मौके पर चलो महाराज की कृपा हुई कि इन्हों डिप्टी सीएम बनाया होम मिलया जिहड़े सब तो वड्डे मसले सीगे इन्होंने सोल्व करने सीगे ते पिछों मैनू लगता सी कि कोई होना चाहिए जिहड़ा इन्हां दे इत्थों हलका पिछों देखे तो उहदे च मैं जिहड़ा मेरा काम हुंदा सीगा लोकां दी छोटियां छोटियां प्रॉब्लम्स हुंदी है छोटे पिंड इत्थे पिंड भी छोटे है लोग बड़े आपस च प्यार नाल रहण वाले छोटियां छोटियां लड़ाइयां छोटे छोटे काम ही हुंदे आपस च इन्हां दे। अच्छा किहड़ा काम तुसीं अपने बिहाफ ते कराया होवे कि रंधावा साहब नूं फोन खड़का के रंधावा साहब आ काम लैके आए आ बंदे? सब तो पहला तो काम सीगा मैं लगता एक फैमिली डिस्प्यूट सीगा साडे पिंड दा ते उस जो मैं इन्हों फोन किया मैं आना शुरू किया उदो हल्के मैं इन्होंने फोन किया मैं क्या कि डैडी हुण मैनू पता नहीं लग रहा कि इत्थे मैं की करना मैं तो दो तीन साल पहला की गल उदों भी दो तीन साल पहला भी मैं अपने आप छोटा ही मानता सी कि 19 साल का सी उदों मैं इन्होंने फोन किया मैं क्या कि इत्थे आ प्रॉब्लम है तो इन्होंने कहा कि ना कहिंदे जे मेरे तो पुछ लिया फिर नहीं तेरे तो काम होना आपे वेख की करना तो फिर उदों आप ही सोल्व कराया मैं उन्होंने चलो दोनों फैमिली से जिहड़ी सैटिस्फाई हो गई सी सेट करता परिवार करता सी। ठीक है और राजनीति जाण दा मूड है? बिल्कुल है जी राजनीति च नहीं मेरा मूड है कि मैं जिवें आपां घर मन्नी दा अपना घर बनाउण लगी दा उदों जी करदा कि इहनूं घर नूं होर सोहणा बनाईए मेरा उवें मन है कि डेरा बाबा नानक है जिहड़ा ये मेरा घर है तो मैनूं सोहणा किवें बनाउणा इहनूं अगे किवें लैके आउणा मेरा राजनीति च आउण दा मूड नहीं मेरा सेवा च आउण दा मूड। ठीक है और सुखजिंदर रंधावा होना ने जिस तरीके ने तुसी गिणा रहे हो कि काम जिहड़े जिहड़े सुखजिंदर रंधावा होना ने कीते ने और वो काम भी तुसी गिणा रहे हो कि तुहाडे फादर साहब ने आ काम कीते ने और चैलेंज किहड़े किहड़े मानदे हो तुसी सुखजिंदर सिंह रंधावा दे सामने इस 2022 दी इलैक्शन दे विच? चैलेंज सब तो वड्डा हैगा कि अनएम्प्लॉयमेंट मैं आप इन्हां नूं कहिंदा कि जिहड़ी जे लोकां दी खुशी चाहीदी है ते लोकां कोल रुजगार बिल्कुल होना चाहीदा वो आप मानदे क्योंकि जिहड़े दर्द है ये बहुत पुराने जुड़े मैं तो नवा आया इस हल्के बहुत पुराने जुड़े हुए हल्के लोग इन्हों अपनी फैमिली वांगू मानते हैं तो लोग इन्हों अगे रो भी पैंदे है कि जी साढ़े घर का आ हाल है तो इन्हों आप इन्हों दिलों हुंदा है कि मैं इस हल्के जिहड़ा काम करना है इत्थे मुंडे अगे लैके आने इन्हां दे। बहुत नज़दीक तो तुसीं देख रहे हो राजनीति नूं किहो जी लगती है राजनीति? सुखजिंदर सिंह रंधावा कहिंदे कि राजनीति बहुत माड़ी लगती है मैनूं जिहड़े लोग झूठ बोलते हैं जिहड़े लोग करप्ट लगते थोनू राजनीति किहो जी लगती है?
मैं देखो जी अजे शुरुआत है तो कोई इन्ने मतलब माड़े लोगों की चंगे लोगों की अजे पछाण नहीं हुई अजे तक तो अपने आप नूं ही एवें हुंदा कि जे कितें मन च बेईमानी आ गई इन्ना अपने आप नाल वादा कि जिस दिन मेरे मन च बेईमानी आऊगी उदन मैं काम ही छड्ड देना जिस दिन मेरे दिमाग च आ गया कि नहीं कि मैं कोई माड़ा काम करना है राजनीति च पावर लेके उदन मैं काम छड्ड देना अपने पिता जी दे भाषण सुनदे हो बिल्कुल सुनदे जी ਗੱਲਾਂ ਡਿੱਟੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਉਦਣ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐਮ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਪੀਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੁਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਕਿ ਭਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਚੱਲੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਏਮ ਆਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਐਮ ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਰੋਡ ਹੈ ਔਰ ਐਲਾਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਅਰਾਊਂਡ 40,000 ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੋਈ 30,000 40,000 ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋ ਹੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 2018 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾਇਆ
तो इन्हों का जोड़ा देन है कभी वापस नहीं कर सकते, जिनी मर्जी इन्हों की सेवा कर लो उन्नी घट है इतने। अच्छा चलो, ये तो हल्के दल्ला हो गई और लोगों का रिस्पोंस कहोजा मिल रहा, लोगों के लगातार विचर रहे हो जा रहे हो, की कह रहे हैं लोग? सब तो वाद जी मैं इस बार चीज़ देखी है जी, पिछले इलेक्शन नालों डिफरेंट सी, पिछली बार छोटा सीगा थोड़ा बहुत देखा सीगा, पर जी ऐतकी सब तो वड्डी चीज़ अगे आ रही है कि यूथ कांग्रेस पार्टी नाल बहुत ज़्यादा जुड़िया हो। मैं जानना, मैं थोड़े दिन पहला इतने जो चन्नी साहब आए थे तो थोड़ा वेखन वाला सीगा, इन्ने किलोमीटर च उत्थे जाम लगे हुआ, यूथ दे जिहड़े साढ़े मुंडे सीगे इन्ने ज़्यादा सी एम साहब नूं देख के इन्ने उत्साहित सीगे कि जिहड़े इत्थे काम होए आ वो इन्हां दे हक च होए आ, तो इन्हों यूथ में सब तो वड्डी उम्मीद आ है कि रंधावा साहब साढ़े हल्के का जरूर कुछ करनगे अगे भी। ठीक है, तुसी की विजन सोच रख्या है, विजन की है जिदा सुखजिंदर सिंह रंधावा उन्हां नाल मैं गलबात की, और थोड़ा विजन की है, की लगता हल्के वास्ते? क्योंकि मैं इतने देखा कि बॉडर का इलाका होने करके भी सड़कों का बहुत बुरा हाल है इतने, और पूरे हालांकि मैं इस कल इस विधानसभा हल्के की नहीं, मतलब पूरे रीजन की मैं गल करा, तो और ये हालात कदों सुधरने की जे थानू अगली बार मौका मिलता तो सुधरन के हालात? और दूसरी गल, होर दिल्ली मॉडल लागू करने की गल करते हैं जे अरविंद केजरीवाल होनी, उसनू लैके की स्टैंड है तुहाडा, तुसी किस तरह सोचते हो उस चीज़ को, नौजवान की सोचता? जिहड़ी दिल्ली मॉडल दी इन्होंने एक चीज़ शुरू की हुई है दिल्ली मॉडल, उहदा मैं एक इन्हां नू दसना चाहूँगा कि दिल्ली मॉडल तो वधिया कि वह मॉडल जिहड़ा थोड़ा है, मतलब जिहनू आपां पंजाबी च कह दईए तां फोका, वह चीज़ है असीं इत्थे काम कीते है। जे तुसीं वेखना ही है तो डेरा बाबा नानक का मॉडल देखो, पांच साल के अंदर जे आपां उन्हां कोल दस साल का टाइम से उस तो पहला भी बहुत ज़्यादा दिल्ली डिवलप्ड सीगा क्योंकि कैपिटल इंडिया का, डेरा बाबा नानक से जिहड़ा सब तो जिहनू कह दईए पिछोकड़ हुंदे है, बैकवर्ड एरिया हुंदा है, बॉडर दे नाल लगदे इहो एरिया सीगा, गलियां च बिल्कुल भी लंघण नूं जगह नहीं हुंदी सीगी। उत्थों दा जे तुसीं देखोगे तो टोटल जिहड़े पिंड है इन्हां दे गलियां बन गईआं, इन्हां दे जिहड़े असीं मॉडल छप्पड़ दे मॉडल हुंदे उह सीचेवाल मॉडल या थापड़ मॉडल असीं छप्पड़ां दे बणाए, ते साडे सरपंचां नूं सेंटर वल्लों अवार्ड भी मिले कि सब तो वधिया जिहड़े पंजाब च बणे आ, इन्हां दी फोटोआं भी लगियां। दूजे नंबर ते असीं दो कॉलेज खोले इत्थे, ते एक असीं जिहड़ी सब तो हिस्टोरिक चीज़ां इत्थे कलानौर च है, कलानौर साडा कस्बा पैंदा इक, इच अकबर दी ताजपोशी होई सी, उहनूं तख्त अकबर कहिंदे आ जदों अकबर किंग बनाया गया सीगा, उस टाइम ते अकबर ने एक मंदिर बनाया सी शिव मंदिर, उहदा जिहड़ा पार्क है उहनूं असीं बिल्कुल पहलां भी बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग इत्थे रहे है, पर जिहड़ा उत्थों दा काम कीता उत्थे पार्क बनाई सब तो वड्डी उह रंधावा साहब दे टाइम ते बनी है। नाल इत्थे एक पंजाब च मैनूं लगदा जिन्ना मैनूं पता है पंजाब च पहला जिहड़ा शुगर केन रिसर्च सेंटर बनिया वो डेरा बाबा नानक च बनिया, नाल इत्थे असीं ओपन एयर थिएटर बनाया, इहो जिहियां चीज़ां मतलब बन गईआं इत्थे कि जिहड़ियां चंडीगढ़ च, मैं चंडीगढ़ च पढ़दा रहा, मैं चंडीगढ़ च नहीं इहो जिहियां चीज़ां देखियां जो डेरा बाबा नानक च रंधावा साहब ने कीतियां। ठीक है, और इस बार लगता थानूं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं लोक देणगे फिर मौका, पहुँचा देणगे, विधानसभा चढ़ा देंगे पौड़ियाँ? बिल्कुल जी, जिवें पहलां इन्हां ने दो वारी लगातार बनाया उवें इस वारी लोकां ने अपने घरां ते लिखिया हुंदा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा तीजी बार लगातार हल्का डेरा बाबा नानक। ठीक है, चलो हुण मैं थोड़ा जिहा निजी जिंदगी बारे पुछना चाहुंदा, 21 साल की उम्र हुई है थोड़ी, और पढ़ाई की कर रहे हो? मैं हुणे BA LLB कर रहा, तो मेरा थर्ड ईयर चल रहा, तो मैनूं इवें कि थर्ड ईयर करके तो वो विच डिग्री हुंदी एक BL दी, वो लैके तो हल्के की सेवा ही करनी मैं थर्ड ईयर तो बाद। अच्छा, फिर हल्के च आ जाना तुसीं? बिल्कुल जी। सुखजिंदर सिंह रंधावा कहिंदे कि कांग्रेस की यह परंपरा है, कहिंदे मेरे फादर साहब ने भी यह गल कही कि जो मैं साइड हो जूँगा उस तो बाद मैं मौका दिता, उन्होंने साइड होने तो बाद ऑफिशियल तरीके दे नाल आउंगे या फिर उन्होंने मन बना लिया? नहीं नहीं, उन्होंने जो मैं कहे कि तू सेवा कर ला कि हूँ तेरी बार सियासत एक्टिव हो जाना। हाँ जी, नहीं मैं एक्टिव पहला तो मेरा सियासत चाहन का मूड नहीं हूँ, मैं थोड़ा पहला भी दसिया मेरा मन है कि मैं इस हल्के मतलब डेरा बाबा नानक जिहड़ा साढ़े पहले गुरु के नाँ ते ये बनया होया है हलका, तो मैं चाहना कि ये बहुत उपर आना चाहिए हलका क्योंकि मेरे दादा जी होर टाइम पर है वो इतने रहे हैं, तो मैं चाहना कि जो मेरा घर है सब तो अगे आना चाहिए पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया उदयवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उदयवीर सिंह रंधावा साढ़े नाल सन, और उदयवीर रंधावा सुखजिंदर सिंह रंधावा उन्होंने बेटे ने, 21 साल की उम्र हुई है इन्हों की, पहली बार वोट पाएंगे उदयवीर रंधावा कॉन्फिडेंट ने, ते नाल ही कहिंदे कि जदों सुखजिंदर सिंह रंधावा चंडीगढ़ हुंदे आ क्योंकि जिम्मेदारी वड्डी सी, गृह मंत्री सी, डिप्टी CM सी,
पूरे पंजाब की जिम्मेदारी सी तां कहिंदे हल्के दे विच बैठ गया सी मैं आके और जिहड़े भी लोगों के काम सी और वह काम मैं लोगों के कराए तो नाल ही एक चंगी गल इन्होंने यह की है कि इन्होंने अपने फादर साहब यानी कि सुखजिंदर रंधावा नूं पुछया कि जे मैथों कोई पुछता कि मैं सुखजिंदर रंधावा नूं वोट क्यों पावां तो किहड़े-किहड़े काम मैं गिणा सकदा आपां कीता की है किहड़े-किहड़े काम आपां गिणा सकदे आ तां कहिंदे मैनूं उंगलां ते याद आ उह सारे काम मैं गिणाउणा देखदे आ लगातार पूरा परिवार रंधावा फैमिली एक्टिव होकर हल्के दे विच काम कर रही है देखना यह है लोग इन्हां ते इस वार फिर यकीन करनगे जां नहीं। कैमरा परसन गुरसिमरन दे नाल विक्रम सिंह प्रो पंजाब टीवी डेरा बाबा नानक। विधानसभा पहुंचणगे किहड़े 117 उम्मीदवार पंजाब विच कौन नाम जा रहा है नवीं सरकार पिंड दी सत तों लैके विधानसभा तक खावांगे मालवे दा हर रंग दुआबे ते भी रहेगी साडी तिक्खी नज़र माझे दी सियासत की रहेगा खास स्टूडियो तो लेके ग्राउंड जीरो तक न्यूज रूम तो रखांगे हर खबर ते नज़र इंतजार दियां घड़ियां होईयां खत्म सियासत दा दसांगे तुहानू पूरा हाल सब तो पहला सब तो स्टीक मैं यादविंदर सिंह मैं हां गगनदीप सिंह मैं हां विक्रम सिंह मैं हां शुभकर्मन धालीवाल मैं हां सिमरनजीत सिंह मैं हां मनदीप कौर संधू मैं हां करण हांडा मैं हां मनदीप जोत सिंह मैं हां सीरत संधू असी टीवी मीडिया दी सब तो बेस्ट टीम नाल चोणां दी सब तो अहम कवरेज 20 फरवरी नूं लैके आवांगे जुड़े रहो दिन भर।